हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप यूट्यूब पर लाइव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यूट्यूब पर लाइव करने के लिए आपके चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद ही आप यूट्यूब पर लाइव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो यूट्यूब पर लाइव आने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब की जो ये एप्लीकेशन दिख रही है, आपको इसके अंदर जाना है और आपको इसमें अपने चैनल से लॉगिन कर लेना है यूट्यूब के एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा सेंटर में, आपको इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये चार ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं, अपलोड ए वीडियो, क्रिएट ए शॉर्ट, गो लाइव और क्रिएट ए पोस्ट। तो हमें लाइव करनी है तो यहाँ पे ये जो गो लाइव का जो ऑप्शन है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार करेंगे तो आपके सामने इसी तरह की विंडो आएगी जहाँ पे ये आपसे एक्सेस मांगेगा आपके कैमरे की, माइक्रोफोन की, लोकेशन की। तो आपको अलो एक्सेस कर देना है, यहाँ से भी फिर से अलो कर देना है इसको, ये भी डिवाइस लोकेशन भी अलो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर में कैमरे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे आप फ्रंट और बैक कैमरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए टाइटल लिखने को कह रहा है सबसे पहले ये, तो हम यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख देंगे। जैसे मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेमो लाइव लिख दूंगा, ठीक है, डन कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये आपकी ऑडियंस है, आप किसको इसे दिखाना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या अनलिस्टेड करना चाहते हैं, ठीक है, विद द लिंक कैन व्यू, ठीक है। अनलिस्टेड का मतलब है जिसे आप लिंक भेजेंगे वही इसको, जिसको आप अपनी लाइव का लिंक भेजेंगे वही आपकी लाइव को देख पाएगा, ठीक है। पब्लिक करने से सारे लोग देख पाएंगे। यहाँ पे गेम का टाइटल डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, और नीचे यहाँ पे ऑडियंस दे रखी है, इज़ दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, क्या आपकी जो ये वीडियो है वो किड्स से रिलेटेड है या नहीं। तो इसमें आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है नॉट सिलेक्टेड के, इसके यहाँ पे सामने क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, अगर किड्स के लिए तो आप येस करेंगे और अगर किड्स के लिए नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे। ये किड्स के लिए नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, तो ये ऑप्शन हो गया नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है डू यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, क्या आप एडल्ट ऑडियंस से अपनी वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है नीचे, यहाँ पे नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, मतलब जो ओवर 18 है उससे हमारी ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यस कर दें, अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते मतलब 18 साल से जो ऊपर के हैं वो आपकी वीडियो को देखेंगे तो उसे नो पे ही रहने दें, तो ये नो पे ही ठीक है कि मैं अपनी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता जो 18 से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर है, मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मोर ऑप्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल आ गया, शेड्यूल फॉर लेटर, ठीक है। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप डेट और टाइम डाल सकते हैं कि आप किस टाइम पे लाइव आना चाहते हैं, उसी टाइम पे ये ऑटोमेटिक शेड्यूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं, आप लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन आप डाल सकते हैं अगर आप अपनी लोकेशन डालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे डेली है, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा, आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, बैक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्चेबल ऑन पब्लिक वीडियोस, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एलो चैट का, कि आप अपनी लाइव पे जो कमेंट्स को, चैट्स को ऑन करना चाहते हैं, यानी कि कोई आपकी लाइव पे चैट करे या नहीं, उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी चैट नहीं कर पाएगा, ऑन कर देंगे तो चैट कर पाएगा। उसके बाद ओनली चैनल मेंबर्स में सेंड मैसेजेस,
या आपकी मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है केवल वो ही आपको मैसेज कर पाएगा इसे ऑन करने से, ठीक है। और इसके बाद है दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशंस। अगर आप यहाँ पे कोई पार्टनरशिप है, आपकी स्पॉन्सरशिप है, आप उसका पेड प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी से भी कोलैबोरेट करा हुआ है आपने, तो आप इसे ऑन कर लेंगे इसमें वीडियो में। अगर आप लाइव में ये बता रहे हैं कि आपने किसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, कि कौन सा प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप इसे ऑन कर लेंगे, अदरवाइज इसे ऑफ रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अनेबल मोनेटाइजेशन है। आप चाहते हैं आप अपनी लाइव से पैसे भी कमाएं, आपका चैनल मोनेटाइज तो है ही, तो आप इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपकी इससे इनकम भी होगी, ठीक है। ऑफ कर देता हूँ, मैंने आपको सिखाने के लिए बताया अभी ये, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें होगी, उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, आप चाहें तो अपनी फ़ोटो अभी करंट के खींच के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस हैं, आप अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। रीटेक थंबनेल का मतलब है आप अपनी फ़ोटो लेना चाहें, यहाँ से कैमरा खुल जाएगा तो आप अपनी फ़ोटो ले पाएंगे। अपलोड थंबनेल का मतलब है कि आप अपने इस फ़ोन के अंदर से कोई भी फ़ोटो, यहाँ पे आपने कोई पहले थंबनेल बना रखा है तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद नीचे आप लैंडस्केप में देख सकते हैं, पोर्ट में करना है तो ये इसमें कर सकते हैं आप ओरिएंटेशन, ठीक है, जिसमें आपको सूटेबल लगे आप उसमें रख सकते हैं, लैंडस्केप में ही रखते हैं, ठीक है, थंबनेल को। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे टिप्स दे रहा है कुछ कि स्क्रीन ब्रॉडकास्ट मोड में चली जाएगी, ठीक है। रिमेंबर एनीथिंग ऑन दिस स्क्रीन नोटिफिकेशन कॉल पासवर्ड विल बी लाइव स्ट्रीम हो जाएगा जो भी आप इस पर करेंगे, ठीक है। माइक कैप्चर्स गेम ऑडियो फ्रॉम द स्पीकर सो टर्न अप द साउंड नियर बाय साउंड में आल्सो बी रिकॉर्डेड, मतलब आप लाइव आएंगे तो आपके आसपास की साउंड भी रिकॉर्ड होगी। उसके बाद यहाँ पे गॉट इट कर देंगे और आप लाइव चले जाएंगे। उसके बाद इसे पहले परमिशन दे देंगे, बैक आ जाएंगे। ये हो गया है शुरू, जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप YouTube पर लाइव आ सकते हैं और लाइव अपने फ्रेंड्स, अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन सब के साथ आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से YouTube पर लाइव कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।